आप लोग मासूम बच्चे हैं टेंथ क्लास के, नहीं तो आप देखिए 10 से 6 लगा रहा हूं। और दीपावली के दिन भी रखी है मैंने क्लास, और दीपावली के अगले दिन भी रहेगी, 10 से 6 ही रहेगी। अरे हाँ क्यों ना, मेंसुरेशन अपन स्टार्ट करते हैं। ये मेडल्स जाते समय मेरे को 7:45 बजे टोक देना कि मेडल डिस्ट्रीब्यूट कर दो। टॉप 3 का मैं सोच के बैठा था, इसमें सिर्फ टॉप 2 ही है सब। करता हूं टॉप 3 के लिए भी करता हूं। टॉप 2 में कितने लोग हैं कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए? अरे अरे इधर तो बहुत सारी शीट रखी हुई है ये। अच्छा नाम रिपीट रिपीट है। नवोदय वाले आके तुमसे मेडल ले गए और तुम बड़े बड़े स्कूल वाले कुछ नहीं कर पा रहे हो। अब जिस जिस की लिस्ट मुझे कंप्यूटर में मिली उनका मैंने बनवा दिया। मैं अभी इसको बांट दूंगा, फिर आप लोगों से नाम लिखवा लूंगा कि कौन कौन टॉप 3 में है और कितनी बार है, उतने मेडल मिलेंगे। और मेरे को लिस्ट आप दे देना। 11th वालों में भी 2-3 बच्चे ऐसे निकले कि डबल मेडल है या नाम ही गायब है उनका, है ही नहीं, तो मैं अलग से आपको बनवा दूंगा। ये टाइम टेबल देख लिया आपने, परसों के दिन नॉर्मल क्लासेस हैं, दिवाली के ठीक अगले दिन 4 से 8 है। अरे हाँ हाँ, अरे हाँ ना, तो छोटा छोटा लंच बॉक्स लेकर आना, उसमें दीपावली की मिठाइयां लेकर आना, मैं खाऊंगा, ठीक है ना। मिटा दो इसको। गुरु नानक जयंती पर जो वो बनते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, छोले, वो नहीं मिलते खाने को, बताओ। अरे हाँ कि ना। चलो अपन स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन 2। सबसे पहले आता है सिलेंडर। स्पेलिंग सही है गलत है? हिंदी नाम क्या है? यस, इंग्लिश में चाहता ही हूं कि मैं गलत लिखूं। अरे हाँ हाँ, लोग मुझे मैथ्स से पहचाने, इंग्लिश से नहीं। अरे हाँ हाँ,
टेढ़ा बन गया है ना, कोई बात नहीं, उसे सीधा महसूस करो तुम। अरे हां कि ना, ध्यान से समझना, छापना नहीं। ये स्पेलिंग सही लिखी कि गलत लिखी? चेहरे से हाथ हटाओ। लोग मालूम रटते हैं, न जाने क्यों रटते हैं। लिखना नहीं, हाथ से चेहरा हटाओ। क्यों ऐसा? समझिए बात को। कर्व सरफेस एरिया, ये जो एक रिंग है उसका सरकमफेरेंस, ये कागज बहुत पतला होता है, अपन जनरली इसकी मोटाई नहीं बता सकते, मगर खूब सारे कागज आपकी कॉपी बन गई, बुक बन गई, अपन बोल सकते हैं कि एक इंच मोटी बुक है। तो एक पतले से सर्कल का सरकमफेरेंस, उसका इंटीग्रेशन होता है एक्चुअली हाइट के रिस्पेक्ट में, वो अब बड़ी बड़ी बातें आपको समझ में नहीं आएगी। तो वो इंटू क्या हो गया, आपकी देसी भाषा में इंटू एच हो गया। वॉल्यूम क्या है, एरिया का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, तो आपकी भाषा में क्या हो गया, इनटू हाइट हो गया। बशर्ते नीचे से ऊपर तक पूरी हाइट के दरमियान जो साइज का बेस है उसी साइज का सब कुछ होना चाहिए। इसका एक और नाम होता है राइट सर्कुलर भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। अच्छा, क्या नाम आया? ये बैग यहां रखो, बाहर बीच में मत रखो, हां फेंको बाहर। यस, वो दोनों लोग उठ के कुर्सी थोड़ी सी बाहर कर दो, दोनों लोगों को उठना पड़ेगा, जरा सा उठो कुर्सी बाहर आन दो। हां, अब आपकी एक टांग इधर से बाहर निकाल दो। हां, आराम से बैठो। टोटल सरफेस एरिया, तो भाई एक सर्कल ऊपर एक सर्कल नीचे और कर्व्ड सरफेस एरिया। अरे हां हां,
मगर दिक्कत है। ओपन सिलेंडर मतलब आप क्या समझते हैं? बोलो बोलो बोलो। एक ही तरफ से खुलेगा। ये पानी की बाटल है, आपने यहां से काट दी, यस, कटी हुई है, तो भी इधर से तो बंद है ना। तो ओपन का मतलब दोनों तरफ से मत ओपन कर देना। अपन 11th में पढ़ेंगे फिजिक्स में ओपन आर्गन पाइप और क्लोज्ड आर्गन पाइप, उसमें मामला थोड़ा अलग हो जाता है। आर्गन पाइप मतलब बांसुरी, दोनों तरफ से खुली है, ऊपर एक छेद है हॉरिजॉन्टल बांसुरी में, वो वहां से फूंक मारते हैं और वेव्स बनती है और बांसुरी बजती है। और एक आप और हम बजा लेते हैं, पेन का ढक्कन नीचे से बंद है और यूं करके जोर से मारा तो जेब बजी सीटी, क्लोज ऑर्गन पाइप। उसमें वेव्स कैसे चलती हैं ये सिखाया जाएगा। तो ऑर्गन पाइप के मामले में दोनों तरफ से बंद कभी नहीं होता, बांसुरी दोनों तरफ से बंद कर दी आपका बजेगी। तो उसमें कभी दोनों तरफ से बंद नहीं होता, इसलिए क्लोज आर्गन पाइप का मतलब क्या, एक तरफ से बंद, और ओपन का मतलब दोनों खुला। यहां मेरे सिलेंडर में दोनों तरफ से खुला नहीं मानते, या तो स्पेशली क्वेश्चन में बोला जाएगा ओपन बोथ साइडेड। जनरली ओपन सिलेंडर मतलब क्या, एक तरफ से बंद एक तरफ से खुला, तभी तो अंदर अपन रोटियां रखेंगे डब्बे में। और क्लोज्ड मतलब दोनों तरफ से बंद, और इस मामले में आप इसे सॉलिड सिलेंडर भी बोल सकते हो। सॉलिड सिलेंडर मतलब पूरे में मट्टी भरी हुई है, ठोस, यस। तो इसमें हो जाएगा क्या, हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, ये और ये। मगर आपके सिलेबस में एक नया नाम है, होलो सिलेंडर, वो फिर दोनों तरफ से खुल जाएगा। फिर आपको उसमें अंदर का भी एरिया बताना है, सॉरी बाहर का भी बताना है, और तो कोई टेंशन नहीं है। पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया लिख रहे थे ना अपन, तो 2 पाई आर एच प्लस, सॉरी, तो बाहर का क्या हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल R H बड़ी रेडियस, और अंदर वाला छोटी रेडियस। जैसे कि निकालना ही पड़ेगा, मैं सोच रहा था त्योहार के दिनों में डंडा ना दिखाऊं बच्चों, ये रहा। तो ये पाइप होलो सिलेंडर है, तो ये मोटाई प्लास्टिक की,
तो सेंटर से लेके बाहर तक की कुछ रेडियस और सेंटर से अंदर की लेयर की रेडियस, तो एक का नाम कैपिटल आर, एक का नाम स्मॉल आर। तो रटना कुछ भी नहीं पड़ेगा, अपने आप सब बनता चला जाएगा। तो क्लोज सिलेंडर दोनों तरफ से बंद हो गया, या इसको क्या बोल दो, तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो कॉमन क्या आ गया, रटना कुछ भी नहीं पड़ेगा मैथ्स में, दसवीं तक नहीं आईआईटी तक। कल मेरे चार ओल्ड स्टूडेंट आए थे, जनरली ग्रुप में आते हैं ये अलग मैटर हो जाता, नहीं तो एक 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 आता रहता है, मैं मिलवाता रहता हूं। तो एक आईआईटी बॉम्बे से, एक आईआईटी हैदराबाद से, एक आईआईटी बीएचयू से और एक और कहीं का। तो मैंने कल की 12 और ड्रॉपर की क्लास उनको छोड़ दी, वो लोग 30 मिनट तक रहे लगभग स्टेज पे, सारे बच्चे उनसे बातें कर रहे थे और बातें कैमरे में रिकॉर्ड भी हुई, तो आपको वो बातें सुननी हो जनरली बच्चे मुझ पर भरोसा नहीं करते, मैं क्या बोलता हूं, नाइट स्टडी मत करो, सो जाओ 9 बजे बढ़िया सुकून से, माता पिता भले चिल्लाते रहे, सो जाओ, बच्चे मानते नहीं है मेरी बात। उन्होंने इनसे पूछा जो सिलेक्टेड हैं, आईआईटी पहुंच गए, उन्होंने बोला कि यस ये पागल अजीब सी बातें करता है मगर बातें सही होती है। तो वो सब आप रिकॉर्डिंग में सुनना, वीडियोस 444 नाम का जो फोल्डर है उस पर जैसे ही क्लिक करोगे आप तो ओपन ही पड़ा हुआ है, अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग टॉपर्स के सब वीडियोस रिकॉर्डेड स्टेटमेंट रखें, तो इसको लिखो जल्दी फटाफट, छापना नहीं, आपको आता है तो भी समझ समझ के लिखना, आज की डेट हेडिंग वगैरह डाल देना। लिखा, सारी चीज लिखी,
आप लोगों ने कभी सभी सबसे लास्ट की बेंच पे बैठ के देखा? यूं ही बैठ के देखना। थैंक यू दीदी। उसका जो बैठने का है वो आपके अभी के लिखने की हाइट के बराबर है, और मेरा क्लासरूम ऐसे 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 ऊपर उठता है। ये सब कभी आप गौर किया करो, उसका डिजाइनर मैं हूं। और ट्वेल्थ वाली जब क्लास लगती है तो इन पर तीन, इन पे दो, और सबको सरका सरका के बस्ते हटवा के बैठलवाना पड़ता। ट्वेल्थ वाले दिन आप लोग कभी नहीं आते हो ना टीटीएस, तो आपको पता ही नहीं चलता। सेल्फ स्टडी वाले आते होंगे तो उनको समझ में आता होगा। मिटा दिया जाए। अरे हाँ हाँ दीदी, क्या खा रहे थे वैसे इतनी देर से? हाँ गुबरेले जी, हाँ पक्का मिटा दूं इसको? मिटा दूं। अच्छा, अपन पहले सारे फार्मूले लिखें या क्वेश्चन करें, क्या कहते हो? क्योंकि आप अपन प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि एकदम ही धरती के बोझ टाइप के बच्चे तो मेरी क्लास में है नहीं कि सारे क्वेश्चन में बोर्ड पे करके दिखाऊं। हाँ कि ना, आप लोग घर पे मेहनत करते हैं और मैं उसको दूसरे दिन डाउट क्लियरिंग के नाम पे करता हूं। हाँ कि ना, और दीपावली में छुट्टियां तो मिल रही होगी ना स्कूल की, कोचिंग की नहीं। वो तो MWF में फंसती ना दीपावली तो आपको भी लपेटता मैं, मगर वो TTS में आ गई। वैसे ये कोई बुरी चीज नहीं है, अच्छी चीज है। क्या लिखा है देखो, है ना? घर में पढ़ाई कहां होती है दीदी? नहीं होती। चलो दादा, नहीं होती ना, वही तो। चलो बोलो साहब, बोलो। अब सिलेंडर के बाद कौन 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 कौन? सिलेंडर के बाद कौन? अरे हाँ हाँ कुछ कहना तो कह दो दीदी, ऐसे मुड़ मुड़ के दूसरे को क्यों कह रहे हो? तो आगे देखो जीवन में। अरे हाँ हाँ ये, अरे यार मैंने तुम लोगों को ट्रेंगल चैप्टर नहीं पढ़ाया है। कुछ कंसेप्ट में मेंसुरेशन खत्म होने के बाद सिमिलर ट्रायंगल के मेरे स्टाइल के सिखाऊंगा। क्या ऐसा कुछ लकी सर ने किया था कि मान लो ये ट्रायंगल है, उन्होंने ये अल्टीट्यूड डाला, ये ट्रायंगल को ऐसा तोड़ के यूं सरका दिया? वीडियो में है। अरे इतना जबरदस्त कंसेप्ट है कि पूरा सिमिलर ट्रायंगल मेरे एक पैटर्न से सारे क्वेश्चन सॉल्व, मगर वो चैप्टर मुझे अच्छा नहीं लगता, उसका क्या करें?
अरे हाँ किधर भाई, ठीक है कोई चीज है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं उसको करना, मगर हमें करना पसंद नहीं है, तो अब क्या करेंगे आप भाई? व्यक्ति अपनी खुशियों के लिए करता, मैं पैसे के लिए पढ़ाता ही नहीं हूं, मैं खुशियों के लिए पढ़ाता हूं। नहीं तो आप देखो, मैं नैनों में घूमता हूं, चप्पल घिसी हुई पहन के घूमता रहता हूं, शर्ट बाहर, बेल्ट नहीं, तो पैसे की हाई तोबा तो है ही नहीं मेरे को। तो आनंद के लिए अपन जी रहे हैं, और ये चैप्टर में आनंद नहीं आता। क्या नहीं आता? अरे हाँ हाँ ठीक है, मगर मैं आपको वो कंसेप्ट दे दूंगा। अब सुनिए, ट्रायंगल को गिरना, ये ट्रायंगल ऐसा गिरा, कौन सा नाम रख देते हैं अपन इसका, सी ए। तो ये ट्रायंगल ऐसा गिरा, अरे हाँ हाँ हो हाँ दीदी कह दो, आज तो कह दो मुझसे, क्या कहना है तुमको दीदी? मुड़ मुड़ के दूसरों से कह रही, क्या कहना है दीदी? तो आगे देखो ना दीदी, मुड़ मुड़ के क्या हाँ? आगे देखो भाई, आगे देखो। तो सुनो सुनो, साइन थीटा, बोलो क्या होगा? बोलो ना भैया, बोलेंगे भैया बोलेंगे, खड़े हो जाओ तुम। यस हाँ तुम ही गोलू, यस भैया बताएंगे, हाँ बोलो। अरे वो बोलेंगे यार, उनके हिस्से का काम तुम करोगे क्या? पी, यस पी कौन है? बीसी, बीसी अपॉन एबी, बीसी अपॉन पूरी क्लास में सिर्फ तुम्हें ढूंढा, क्योंकि तुम्हारे अंदर से फ्रीक्वेंसी निकल रही थी कि मुझे नहीं आता मुझसे पूछो, और वो फ्रीक्वेंसी का रिसीवर में तुरंत कैच करके अपन ने अटैक कर दिया। वो गाइडेड मिसाइल नहीं होती, पूरे क्लासरूम में से नालायक को ढूंढ के मारती है। अरे हाँ बैठो भाई साहब तुम, हाँ दीदी तुम कहो साइन थीटा क्या होगा? ए सी का है को, आर अपॉन एल का है को, साइन थीटा क्या होता है? पी कौन? अरे गजब कर दिया दीदी ने, थीटा के सामने कौन? परपेंडिकुलर। अपॉन क्या? एच, एच अपॉन क्या? एल अपॉन क्या? कॉस थीटा। एल सामने चला गया,